हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो आज शुरू करते हैं। आगे के क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया था एक तो हमने, ठीक है, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। आज हम आपके साथ कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे एक टेलीफोन बिल या मोबाइल का बिल आप कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम कैसे करेंगे। तो आज ये दो टॉपिक हमारे पास मेन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें टेलीफोन बिल जनरेट करना है। किस तरह जनरेट, जैसे मान लिया आपने अपने घर पे एक टेलीफोन लगवाया हुआ है, अब उसमें आपको क्या हुआ कि मंथली रेंटल है, मंथली रेंटल जाता है आपका 100 रुपये का, कि आप कॉल करें या ना करें 100 रुपये तो आपको देने हैं, ठीक है। इस 100 रुपये में आपके पास क्या है, 200 कॉल तक आपका फ्री है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप एक भी कॉल ना करें तो भी 100 रुपये, 200 कॉल करें तो भी 100 रुपये। तो अप टू 200 कॉल यानी आपकी 0 से लेके 200 कॉल तक जो होगी वो फ्री होगी, ठीक है। अगर आप 200 से ऊपर कॉल करते हैं, ठीक है, यानी आप 200 से 500 के बीच पे कॉल हैं, तो 200 तो आपके पास फ्री रहेंगी। अब 200 से 500 से के बीच में जितनी होंगी, जैसे 250 होगी आपकी कॉल, 50 कॉल एक्स्ट्रा, 300 हुई तो 100 कॉल एक्स्ट्रा, तो जितनी कॉल एक्स्ट्रा उतने पैसे, मतलब 1 रुपये पर कॉल, 1 रुपये पर कॉल ऑन एक्स्ट्रा कॉल फ्रॉम 200। अब अगर आप 500 से ऊपर कॉल करते हैं तो 500, ठीक है, एंड अबव कर देते हैं, अबव 500 कर लेते हैं। तो हमें इसको कंडीशनल से, हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है, कंडीशन से शो करना, अबाउट 500 पे हमारे पास क्या है, 2 रुपये पर कॉल। दो रुपये पर कॉल ऑन एक्स्ट्रा कॉल फ्रॉम 500, ठीक है, 5,000 से जो 500 से ऊपर की जो कॉल होंगी उन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने केस बने हैं। अब आपके पास यहाँ पे बेसिकली तीन केस बने, एक तो 0 से 200 वाला, एक 200 से 500 वाला, एक 500 से ऊपर वाला, ठीक है। तो अब हम इन केस को किस तरह से सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। इनमें से एक टाइम पे एक ही ट्रू हो सकता है, एक से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो आप नॉर्मल इफ से भी कर सकते हो, एल इफ से भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर इफ इफ से भी कर रहे हैं तो इफ सारे एग्जीक्यूट होते हैं जितने भी ट्रू होते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टाइम पे एक ही ट्रू होगा। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली कॉल पे डिपेंड है, जो बिल है आप कितनी कॉल कर रहे हैं उस पे डिपेंड है। तो आप जो है कॉल्स को इनपुट करा लो, कितनी कॉल है, मान लिया हमने कॉल्स नाम का वेरिएबल ले लिया। कॉल जो है इंटीजर में होंगी तो इंट फंक्शन लगाएंगे और इनपुट करा लेंगे। यहाँ हमने लिख दिया एंटर द नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कितनी कॉल हो रही है हमारी वो हमने एंटर करा दिया। इसके अकॉर्डिंग हम बिल जनरेट, बिल जो है शुरू में अगर हमारे पास बिल 0 है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास बिल है वो 0 होगा, उसके बाद हमारे पास बिल बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं इफ, ठीक है, तो एक ले लेते हैं, हमारे पास शुरू में इनिशियल में बिल 0, वो रेंट वो कर लिया हमने, इनिशियल में बिल हमारे पास 0 है, ठीक है। तो आपके पास मर्जी, ये रखो या ना रखो, या इफ की कंडीशन में ही लगा देते हैं हम इसको, ऐसे बना देते हैं। चलो जैसे हमने इफ की कंडीशन लगाई, अगर हमारे पास कॉल्स तो है ये लेस देन है या इक्वल टू है 200 से, 200 तक की हमें देखनी, 0 से लेके 200 तक, तो क्या करना, कोलन लगा के हम करेंगे,
जो हमारे पास बिल बनेगा वो क्या होगा? जीरो होगा। भाई 200 तक तो हमारे पास फ्री है, तो बिल जीरो है। रेंटल देना, रेंटल वो हमें हर केस में देना, वो हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम ये लगाते हैं, अगर हमारे पास 200 से ज्यादा कॉल करी, कॉल्स की वैल्यू 200 से बड़ी है, ठीक है, साथ के साथ एंड कॉल्स की वैल्यू जो है 500 या 500 से कम होनी चाहिए, 500 तक होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में देखो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास बिल होगा 200 तक तो जीरो है, लेकिन 200 से जितनी ऊपर कॉल हुई तो वो कैसे पता चलेगा कितनी कॉल हुई? मान लिया आपने यहाँ पे 300 एंटर कराया, तो कितनी एक्स्ट्रा हुई? 100, यानी 300 में से आपने 200 घटा दिए। आपने 350 एंटर करी, 350 में से 200 घटा दो, 150 एक्स्ट्रा हुई। तो आप जो है जितनी भी कॉल आप इनपुट करा रहे हैं, टोटल कॉल्स हैं, उसमें से 200 माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कॉल कितनी है। अब ये एक्स्ट्रा कॉल जितनी है हमारी, इस ये 1 रुपए पर कॉल पर चलेगी, इसमें इंटू 1 कर देंगे, ठीक है भाई। आपको यहाँ पे समझ में आया ना ये बात? हमने क्या करी है, जैसे आपने मान लिया कॉल इनपुट कराई है 350, ठीक है, 350 आपकी टोटल कॉल्स है। पहले वाली कंडीशन तो आपकी गलत है, कॉल्स लेस देन 200 वाली, 200 से कम तो है नहीं, 200 से ज्यादा है, 500 से कम है, तो टोटल आपका बिल 350 कॉल का नहीं लगेगा, आपको तो 150 कॉल का लगना, क्योंकि 200 तक तो फ्री है, ठीक है। तो हमने कॉल्स में से माइनस के 200 कर दिया, तो मतलब कॉल्स हमारे पास 350 थी, 350 में से आपने 200 माइनस करा, आपके पास 150 बची, और उसमें 1 रुपये पर कॉल है, यानी 150 रुपये का बिल रेंटल और उसमें ऐड होगा। बाद में हम रेंटल भी करेंगे कि हमें रेंटल भी ऐड करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के 100 रुपये हमने रेंटल में कर दिए, ऐसे यहाँ पे 0 रुपये बिल था और 100 रुपये रेंटल के, तो हमने इस तरह से कर दिया। तो 100 रुपये रेंटल के जब हमारे पास हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, प्लस के 100 यानी 250 रुपये का टोटल। अगर आप कॉल इनपुट कराते हैं, मान लिया 125 कॉल है, तो 125 कॉल्स में क्या है, ये वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, 200 से कम है, तो बिल आपका कितना बनेगा? बिल तो हो गया 0, रेंटल रह गया बस 100, तो आपका टोटल बिल जो बनेगा वो 100 रुपये, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे अगला केस देखते हैं कि हमारे पास अगर 500 से ज्यादा हो गई, इफ कॉल्स ग्रेटर देन 500 से ज्यादा है अगर हमारे पास कॉल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बिल हमें बताना, देखो भाई 200 तक का तो जीरो है, 200 तक का तो जीरो होगा, उसका तो कुछ लगेगा नहीं। 200 से 500 तक, 500 से ऊपर तो 200 से 500 भी होगा, उन पे कितना को लगेगा? उन पे 300 रुपये लग जाएगा, 300 कॉल पे 1 रुपये कॉल के हिसाब से लग जाएगा। शुरू की 200 कॉल पे देखो, समझने के लिए लिखा, शुरू की 200 कॉल पे 0 रुपये, आगे की 300 कॉल पे 1 रुपये, ठीक है। और हमारे पास जो हमारे पास आगे की कॉल होगी, मतलब 500 से ऊपर की 500 कॉल होगी, 500 से ऊपर की कॉल कैसे पता चलेगा? टोटल कॉल्स में से 500 कॉल माइनस कर दो, तो उन पे 2 रुपये, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो, ये आपकी मर्जी है, और प्लस के 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये हमने यहाँ पे रेंटल भी कर दिया। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने मान लिया 700 कॉल करी, तो 700 कॉल करी तो 200 कॉल तक जीरो, 300 कॉल और करी 500 तक होगी 300 रुपये। अब आपकी 700 माइनस के 500, 200 कॉल ये एक्स्ट्रा बनी है, इन पे 2 रुपये पर कॉल प्लस के 100, आपके पास 300, ये 200 दूनी 400 हो गया, और प्लस के 100 यानी आपका टोटल 800 रुपये का बिल, ठीक है। तो अगर आप कॉल्स जो है 700 कॉल रखेंगे, तो आपके पास 800 रुपये का बिल रहेगा। आप कॉल्स मान लिया 450 कॉल कर रहे हैं, तो 450 कॉल में हमारे पास जो बिल बनेगा वो कितना बनेगा?
इसका बिल हो गया हमारे पास देखो 200 से ऊपर है तो 450 माइनस के 200, ठीक है, इंटू 1 प्लस के 100 रुपये रेंटल का, तो ये हो गया आपके पास 250 प्लस 100 यानी 350 रुपये। और अगर आप कॉल जो है 200 से कम लेते हैं, जैसे 150 कॉल रखी आपने, तो जो बिल बना आपका वो रेंटल तो जीरो हो, वो कॉल का तो जीरो हो गया, रेंटल का ही रहा 100 रुपये। इस तरह से आपके पास ये आएगा। अब आप जो भी टोटल बिल आया है उसको प्रिंट करा दो, बार बार ना प्रिंट कराना पड़े, हमने एक ही बार में नीचे प्रिंट करा दिया, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया योर टोटल बिल इज, योर टोटल बिल इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है जो भी बिल की वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी, ठीक है, इतने, ठीक है, रुपीज भी लगा देते हैं, इस रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे बिल लिख दिया, तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया और रन करा दिया। अब देखो हम जब इसको रन करा रहे हैं, हमने पहले 700 कॉल करी, तो आपका देखो 800 रुपये आया जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ। आप दोबारा से रन कराते हैं इसको, ठीक है, तो दोबारा से रन कराया हम 450 रुपये, 450 कॉल डाल देते हैं तो 350 रुपये का बिल, ठीक है। अब हम 150 रुपये कॉल करेंगे, तो 150 कॉल करी हमने तो आपके पास 100 रुपये। इस तरह से आप यहाँ पे बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोग्राम बन गया, इसमें आपने इफ इफ यूज करा, जौन सा इफ सही है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। अब हमें क्या करना, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की परसेंटेज इनपुट करानी है, ठीक है, क्या करानी है हमें, इनपुट परसेंटेज इनपुट करानी है, उसने कितनी परसेंटेज आई है उसकी टोटल, उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स हमें डिस्प्ले करानी, वो ग्रेड डिस्प्ले करानी। परसेंटेज का एक काम करते हैं, वो पास सब्जेक्ट के उसके मार्क्स इनपुट कराएंगे, इनपुट कराएंगे हम मार्क्स फाइव सब्जेक्ट, फाइव सब्जेक्ट मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सीएस, ठीक है, और इंग्लिश, ये पांच सब्जेक्ट हैं, इनके मार्क्स हम इनपुट कराएंगे। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग 100-100 में से मार्क्स मिलेंगे, आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स कितने होंगे ये बतानी है उसके, उसकी परसेंटेज कितनी होगी ये बतानी है, ठीक है, टोटल मार्क्स और परसेंटेज निकालेंगे, फिर हम उसकी ग्रेड, ग्रेड इस तरह से बतानी, अगर उसके 80 से लेके 100 तक की परसेंटेज है, ग्रेड परसेंटेज के बेस पे आपको बतानी है, ठीक है, ग्रेड परसेंटेज के अकॉर्डिंग 80 से 100 तक है तो उसकी ग्रेड ए है, अगर 60 से 79.99 तक है, ठीक है, मतलब 80 से कमी रह गई तो आपके पास बी ग्रेड है, अगर उसकी जो ग्रेड 40 से जो है हमारे पास 59.99 तक है तो सी ग्रेड में आएगा, और जीरो से लेके अगर उसकी जो है परसेंटेज 39.99 है तो वो डी ग्रेड में आए, तो ये हमारे पास ग्रेड होगी। इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू आप परसेंटेज में आएगी तो वो इनवैलिड होगी, और आएगी नहीं क्योंकि हम टोटल यहाँ पर निकाल रहे हैं, इस तरह से हमें। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इस प्रोग्राम को करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया कि आपको सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने हैं, तो हम प्रिंट करेंगे, तो एंटर द मार्क्स फिजिक्स, फिजिक्स के हमने मार्क्स इनपुट कराने, ठीक है, तो ये फिजिक्स के मार्क्स हम ऐसे कर लेते हैं, इनपुट फंक्शन में ही लगा लेते हैं, फिजिक्स को हमने डिनोट कर दिया पी से, पी इक्वल टू फिजिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे इंट करके इसको इनपुट नाम के फंक्शन में डाल देते हैं, डायरेक्ट एक ही साथ करते चलेंगे, ठीक है, तो ये हमने फिजिक्स के मार्क्स इनपुट करा दिए। केमिस्ट्री के मार्क्स इनपुट कराते हैं,
मैथ के मार्क्स इनपुट, केमिस्ट्री का सी, मैथ का एम, तो मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस मार्क्स ऑफ सी एस। तो इसको हमने सी एस कर दिया, यानी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसी तरह से हमने बाकी सब्जेक्ट के भी मार्क्स, मतलब एक इंग्लिश के और करने हैं, मार्क्स ऑफ इंग्लिश। पांच सब्जेक्ट के ऐसे मार्क्स हम इंग्लिश को हमने ई कर दिया। टोटल मार्क्स हम निकालते हैं, तो टोटल मार्क्स मतलब, तो टोटल मार्क्स हमारे हो जाएंगे पी प्लस सी प्लस एम प्लस सी एस प्लस ई, ये टोटल मार्क्स। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज किस तरह से निकलेगी? परसेंटेज को हमने पीई आर से डिनोट कर दिया जैसे। तो टोटल जितने मार्क्स होंगे आपको, आप डिवाइड कर देंगे उसको 500, जितने भी उसके टोटल मार्क्स आए हैं, तो आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी वहां से, उतने परसेंटेज हो जाएंगे आपकी, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। पहले हम ये करते हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल को प्रिंट करा, ठीक है, फिर प्रिंट करा दिया हमने ग्रेड, ग्रेड नहीं परसेंटेज, परसेंटेज इक्वल टू पीईआर। अभी हम पहले इतने को रन करा के देखते हैं। फिजिक्स में मान लिया 50 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 60 है, मैथ में 70 है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 80 है, इंग्लिश में 75 है, तो टोटल आपके पास 335 मार्क्स है। 0.067 आ रहा है, परसेंटेज निकालेंगे तो इतनी, इसको परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसमें टोटल जो हमारे पास आया उसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और तब हम इसको करेंगे, तो परसेंटेज हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाएंगे। जैसे हमने 50, 60, 70, 80 और 72 कर दिए, तो 66.4% आएंगे इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आ गया है। आप परसेंटेज को 2 डिजिट तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परसेंट 0.2F लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी परसेंट का साइन लगा, फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाई थी, तो अब देखो आप किस तरह से आएगा, 50, 60, 70 और 72, तो 66.4। अब इसके बेस पे आपको ग्रेड बनानी है, तो ग्रेड के लिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, पहले इफ की कंडीशन, अगर हमारे पास परसेंटेज पीईआर की वैल्यू 80 से तो बड़ी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 80 से, एंड ये जो है 100 इससे छोटी हो, या 100 परसेंटेज की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो 100 से, ठीक है, तो इसके बीच में हो तो ग्रेड ए प्रिंट, तो प्रिंट कर देंगे योवर ग्रेड इज, योवर ग्रेड, ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। इसी तरह से हम बाकी कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी कंडीशन में हमने यहाँ पे लिया, जैसे इफ अगर 60 से बड़ी है और 80 से छोटी, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 80 से छोटी यानी 79.99 तक भी है तो भी आपके पास, तो 80 से लेस, तो बी ग्रेड। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट कंडीशन लगाई, नेक्स्ट कंडीशन में हम लगा रहे हैं 40 से ज्यादा है और हमारे पास 60 से कम है, तो सी ग्रेड। नेक्स्ट केस है हमारे पास 0 या 0 से ज्यादा परसेंटेज है और 40 से कम है, तो डी ग्रेड, अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, तो एल्स का केस हम लगा देंगे, इनवैलिड परसेंटेज। वैसे यहाँ पे जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इनवैलिड,
नहीं होगी इनवैलिड ये हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये जो केस हमने लिखे इफ इफ, यहाँ पे आप एल इफ भी लगा सकते हो कि अगर ये सही है तो दूसरे को देखो। इफ इफ और एल इफ में क्या फर्क, हमने ऊपर इफ इफ लगाया, यहाँ पे एल इफ से देख लेंगे। तो देखो अगर इफ इफ लगाते हैं तो ये इसको भी चेक करता है, इसको भी चेक करता है, इसको भी चेक करता है। अगर ये सही है तो ये ऑब्वियसली ये दोनों गलत होंगे, तो हमें चेक करने में टाइम क्यों खराब करना। तो एल इफ लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम और जल्दी चलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि अगर आप इफ इफ लगाते हैं सारे इफ इंडिपेंडेंट होते हैं और सब चेक करे जाते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने इफ इफ लगाए तो भाई जिसके मार्क्स 80 से 100 के बीच में तो ये पता ही है इनके तो बीच में होंगे नहीं उसके परसेंटेज, ठीक है, तो ये तो गलत होगी, तो उनको चेक करने में क्यों टाइम खराब करना। तो एल इफ में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक हमारे पास ट्रू हो गई तो आगे की चेक नहीं करी जाएगी। अगर उसके मार्क्स 85 हैं तो भाई यहीं पे ग्रेड ए प्रिंट कर दिया, बाकी कुछ चेक ही नहीं करेगा। अगर उसके मार्क्स 65 हैं तो पहले इसको देखा फिर इसको देखा, यहाँ पे सही, तो आगे की चेक नहीं होगी। तो इससे आपके पास प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाएगी, सही आपके पास रन करेगा। तो अब हमने यहाँ पे इसको रन करा एलिफ लगा, हमने ये मार्क्स लिख दिए 50, 60, 70, 80। तो देखो इसकी ग्रेड बी आ गई है, ठीक है। अब ए ग्रेड बनाकर देखते हैं, सारी ग्रेड पे हम लगाएंगे, ठीक है, सारे आपको करके दिखाने हैं। तो जैसे मान लिया 80, 85, 90, 95, 80 ये आए, तो 86% है ए ग्रेड, ठीक है। इसी तरह से हमने सी ग्रेड की कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो हमने लिख दिए 40, 45, 48, 50, 52, तो 235 से 47% है सी ग्रेड। अगर कोई फेल है अब हमारे पास उस केस में हम ले लेते हैं, तो हमारे पास मान लिया हमने लिख दिए 15, 20, 25, 30, ठीक है 35, तो इसके 25% ही है डी। तो इस तरह से हम यहाँ पे बनाते हैं ये। तो ये दोनों प्रोग्राम हैं आपके इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं, इनका यूज करना, कैसे हमने इफ और एलिफ का यूज किया ये सीखा है, ठीक है। तो आपको काफी मैंने प्रोग्राम करा दिए हैं इफ के, एलिफ के, एल्स के, और भी आप जितने प्रोग्राम खुद से प्रैक्टिस कर सको वो कर लो, मैंने आपको 10-12 प्रोग्राम करा दिए हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर हम आगे से शुरू करेंगे आगे, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे आगे से लूपिंग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, कि लूप किस तरह से करते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा हम आगे से जो है वो पढ़ेंगे इटरेशन स्टेटमेंट किस तरह से होते हैं, यानी लूपिंग वाले स्टेटमेंट। कल की क्लास से हम लूपिंग और रेंज वगैरह फंक्शन कैसे यूज होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी इसकी एक क्लास में हम वो भी करेंगे, इनके कुछ असाइनमेंट प्रैक्टिस आपको देंगे, उनके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे, वो आप कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।